नमस्कार। ये एक बड़ा समरी टाइप का है जो आपको बहुत हेल्प करेगा, तो आई थॉट कि आपको दिखाता हूँ। और ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मैंने नहीं बनाया, लेकिन बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा इसमें ना देखो, ये है एज ऑफ टुडे। अगर आप एनएमसी की वेबसाइट पे भी जाएंगे, इसमें शायद एक कॉलेज कम है, और 2024 में जो भी नए लॉन्च होंगे, पर आपको ना इससे बड़ा फेयर आइडिया मिलेगा कि पूरे हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पर कितने कॉलेज हैं, और कट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स में कैसे मूव कर रही थी, और उन कट ऑफ का लॉजिक क्या होता है। और फिर मैं आपको एक अंदर की बात भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले पहली लाइन लिखी हुई है, अभी 705 टोटल मेडिकल कॉलेज हैं, 1,09,000 मेडिकल सीटें थी। गवर्नमेंट कॉलेज 369 हैं, एक्सेप्ट एम्स और जिप्पर, और 22 हो गए ये दोनों। दैट मीन्स आउट ऑफ 705 391 सरकारी कॉलेज है, 391, और 314 प्राइवेट है। क्लियर हो गया? 391, 314, और 1,10,000 में से 52,000 प्राइवेट सीटें, 58,000 सरकारी सीटें। ये मोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो 50-50 से थोड़ा सा डिफरेंस है, शायद 54% सीटें सरकारी हैं, 46% प्राइवेट है। अब ये स्टेट बाय स्टेट बहुत अच्छा मैप है, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिलेगा। अगर हम जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करें, तो हम जानते ही हैं कि 10 वहाँ सरकारी कॉलेज हैं, एक प्राइवेट कॉलेज है, और 10 सरकारी कॉलेज में 1,100, मैं ये धीरे रखूँ तो आपने मैप आराम से देख भी सकते हो, 1,177 सीटें हैं। तो लुकिंग एट द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू कश्मीर, बहुत हाई नंबर ऑफ सीट्स हैं। ये मैं क्यों समझाता हूँ, हिमाचल की पॉपुलेशन 50 लाख है, वहाँ सरकारी सीटें हैं 720। हरियाणा की पॉपुलेशन लेट से 2.5 करोड़ है, तो हिमाचल से 5 गुना ज़्यादा सीटें हैं, 935। तो हिमाचल में जो पढ़ने वाला होता है, उसको बॉर्न जो है हिमाचल डोमिसाइल, उसको काफ़ी फायदा होता है। वो जो 85% सरकारी कॉलेजों में स्टेट कोटा होता है, हम जानते ही हैं। हिमाचल में तो जनरल कैटेगरी में 520 नंबर पर भी सरकारी सीट मिल जाती है, और हरियाणा में 615 नंबर वाला भी स्ट्रगल करता है, जबकि दोनों स्टेट बिल्कुल बगल में है। तो जस्ट जैसे कहते हैं कि आप पंचकुला में पैदा हुए हो, या पंचकुला से 20 किलोमीटर आगे सोलन में पैदा हुए हो, और उसमें आपके पूरे 125 नंबर का फर्क पड़ जाएगा, जो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है व्हेन इट कम्स टू ऑल इंडिया रैंक। मतलब आप एक रफली आप आइडिया लेंगे तो रैंक्स पे कितना फर्क पड़ता है ना, कि देखिए तो अगर हम 100 नंबर का फर्क करें, तो मोटा मोटी 625 नंबर पे 16,000 रैंक होती है, और 575 नंबर तक आते आते ये 45,000 होती है, और 453 आगे 1.5 लाख बच्चे आते हैं। तो बहुत ज़्यादा फर्क होता है कंपटीशन का। तो जम्मू कश्मीर में एकमात्र प्राइवेट कॉलेज जम्मू में है। हिमाचल में हम सभी जानते हैं 6 सरकारी कॉलेज हैं, इसमें एम्स नहीं किया गिना गया। एक एम्स भी है हिमाचल में, एक एम्स है जम्मू कश्मीर में, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है सोलन, उसके बाद ज़्यादा करेंगे, जिसके अंदर NRI सीटें भी हैं 15%, बाकी 85% में से कुछ स्टेट कोटा होता है, कुछ ऑल इंडिया कोटा होता है। स्टेट कोटा में फीस 4 लाख रुपए पर ईयर कम होती है, तो टोटल जो पैकेज पड़ता है वो 60-65 लाख का पड़ता है हिमाचल डोमिसाइल वाले के लिए, और बाहर वाले के लिए 1 CR का पड़ता है। दोनों की इसलिए कट ऑफ अलग चलती है, और दोनों में ही SC ST की भी रिजर्वेशन होती है। तो सोलन एकमात्र कॉलेज ऐसा है जिसमें नॉन हिमाचल के लिए भी कैटेगरी रिजर्वेशन होता है। ये शब्द मैंने क्यों बोला कि हरियाणा के जो 7 प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसमें सॉरी 8 प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसमें इन्होंने डीम्ड के भी 2 गिने हैं, क्योंकि हिमाचल जम्मू में डीम्ड नहीं था, तो अमृता और MMU मुलाना को गिना गया है। इसके अलावा जो 6 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, NC, झज्जर, आदेश, अल्फला, SGT एंड MMU साधुपुर, उसमें हरियाणा स्टेट कोटा अलग चलता है, जिसमें कैटेगरी रिजर्वेशन होता है, और नॉन हरियाणा सीट्स होती हैं जिसमें कोई कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं होता, फीस में कोई फर्क नहीं होता हरियाणा में। पंजाब जैसा कि हम जानते हैं क्लोज स्टेट है, 4 सरकारी कॉलेज हैं, अमृतसर, पटियाला, फिरोजपुर और मोहाली, 7 प्राइवेट कॉलेज है, जिसमें एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कोई नहीं है। तो 7 प्राइवेट कौन से आएंगे इसमें, हम जानते ही हैं कि श्री गुरु रामदास अमृतसर, CMC लुधियाना, DMC लुधियाना, पिम्स जलंधर, ज्ञान सागर, अपनी जान में बाद में बंद हो गया था चिंतपूर्णी, और आदेश बठिंडा। पंजाब इसे क्लोज स्टेट, सारी सीटें पंजाब डोमिसाइल के लिए हैं। श्री गुरु रामदास में होता है, सिख माइनॉरिटी है, तो
बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं। दिल्ली 7 कॉलेज हैं, सरकारी 2 प्राइवेट हैं, एक्चुअली एक हमदर्द डीम्ड है और एक इन्होंने ACMS को प्राइवेट में लिखा हुआ है, उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। चंडीगढ़ में एक ही सरकारी है। राजस्थान में जैसा कि हम जानते हैं 9 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, 1650 सीटें, 25 सरकारी, 9 में से 5 उदयपुर में है, 3 जयपुर में है और एक गंगानगर में है। MGM जयपुर शानदार कॉलेज, राजस्थान राउंड 2 तक क्लोज स्टेट रहता है कि सिर्फ राजस्थानी बच्चे भर सकते हैं। 2023 तक के रूल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 24 में क्या हो जाए भगवान जाने। थर्ड राउंड में आके ये राजस्थान के बाहर के लिए ओपन हो जाता है। इन 9 के 9 कॉलेजेस में 85% सीटें होती हैं, जिसको ये लोग बोलते हैं जनरल कोटा, 15% को बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा। कोई NRI सीट नहीं होती राजस्थान के प्राइवेट कॉलेज में, बट राजस्थान के सरकारी में होती है NRI सीट। वो हिमाचल के सरकारी में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है। और तो राजस्थान में बच्चे जा सकते हैं राउंड 3 के बाद आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो स्टेट राउंड 3। बट काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज आपको कम कट ऑफ में मिल जाते हैं राजस्थान में, जिसकी वजह यही होती है कि देखिए राजस्थान का राउंड 3 तब आएगा जब MCC का राउंड 1, स्टेट्स का राउंड 1, MCC का राउंड 2, स्टेट्स का राउंड 2 और MCC का राउंड 3 हो चुका है। तो तब तक लोग ना पेशर्स ही रखते हैं, तो जो पेशर्स रखेगा उसको राजस्थान का अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। इधर आ जाए नॉर्थ में और ऊपर उत्तराखंड, हम जानते ही हैं 3 प्राइवेट कॉलेज थे लास्ट ईयर तक, चौली ग्रांट, गुरु राम राय और गौतम बुद्ध, तीनों ही देहरादून एरिया में पढ़ते हैं, मिला के 450 सीटें हैं। देहरादून में भी तीनों कॉलेजों में कुछ स्टेट कोटा की सीट है, कुछ ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं। स्टेट कोटा में कैटेगरी रिजर्वेशन भी चलता है, फीस में भी 30% की छूट होती है। उत्तर प्रदेश 32 टोटल कॉलेज है, 5 माइनॉरिटी कॉलेज हैं, 27 नॉर्मल कॉलेज हैं। नॉर्मल कॉलेजों में हॉस्टल में सब मिला के 60 से 72 लाख में काम हो जाता है। 5 जो माइनॉरिटी कॉलेज हैं, 4 मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, 3 लखनऊ में है इरा इंटीग्रल करियर, 1 आगरा में है FH और 1 जैन माइनॉरिटी है तीर्थंकर महावीर। इनका जो पैकेज है वो 90 लाख से लेके 1 करोड़ तक जाता है, जबकि जो नॉन माइनॉरिटी 26 कॉलेज थे उसमें 60 से लेके 75 लाख में आपका सारा काम हो जाता है। उत्तर प्रदेश एकमात्र स्टेट है जहाँ पे जो ये 32 कॉलेज है इसमें 12 कॉलेज कम से कम ऐसे हैं जिनकी क्वालिटी हाईली क्वेश्चनेबल है, तो आपको सोच समझ के उन कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहिए आने वाले नेक्स्ट के मुकाबले। हरियाणा के भी 8 प्राइवेट कॉलेजों में कम से कम एक कॉलेज तो हाईली क्वेश्चनेबल है और एक और कॉलेज की भी क्वालिटी क्वेश्चनेबल है। दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है, पंजाब के सारे कॉलेज ठीक ठाक हैं, हिमाचल कॉलेज बहुत अच्छा है, राजस्थान के सारे कॉलेज अच्छे हैं एक छोड़ के उदयपुर वाला। ये हो गया सारा नॉर्थ। अरुणाचल प्रदेश एक ही सरकारी कॉलेज है छोटा सा, 50 सीटें। असम 12 कॉलेज अब आ गए हैं। सिक्किम में एक ही प्राइवेट है, अभी फॉर्म निकला हुआ था सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। उसके बाद नॉर्थ से लगता लगता बिहार आ जाता है, 12 सरकारी 8 प्राइवेट हैं। हम जानते ही हैं कि जनरली नॉर्थ के बच्चे बिहार जाना पसंद नहीं करते, बट इन 8 में एक कटिहार मेडिकल कॉलेज है जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी है और एक माता गुजरी किशनगंज में है जो सिख माइनॉरिटी है। तो कम मार्क्स पे आपको ये दोनों कॉलेज मिल जाते हैं और दोनों की फीस भी रीजनेबल है, हॉस्टल मिला के आपका काम 70-72 लाख में हो जाता है। इसके अलावा जो बिहार के 6 कॉलेज हैं मोस्टली वो पटना में है, एक सासाराम में है, तो बहुत ज़्यादा उनके बारे में अच्छा है बुरा हम नहीं सुनते, बिहार के लोकल लोग ये एडमिशन ले लेते हैं। गुजरात एक क्लोज स्टेट है, 17 के 17 कॉलेज गुजरात वालों के लिए। इनमें एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है SKBS वडोदरा, जिसमें बाहर का बच्चा जा सकता है। राजस्थान में कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं थी, बिहार में कोई डीम्ड नहीं थी। देखिए डीम्ड का मैं समझाता हूँ हर वीडियो में, MCC काउंसलिंग वाली, वरना राजस्थान के 9 कॉलेज में से 7 कॉलेज अपनी डिग्री देते हैं। अमेरिकन और अनंता है, 2 कॉलेज हैं जो सरकारी डिग्री देते हैं प्राइवेट में। हिमाचल का प्राइवेट अपनी डिग्री देता है। महाराष्ट्र 36 प्राइवेट कॉलेज हैं, 31 सरकारी, 36 में से बहुत सारी डीम्ड MCC वाली कॉलेजेस हैं, जिसमें MGM के 3 कैंपस, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज वाशी, पनवेल और अब पुराना औरंगाबाद, DY पाटिल के 3 कैंपस हो गए, भारती विद्यापीठ के 2 कैंपस हो गए, दत्ता मांगे के 2 हो गए, 10, एक रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी हो गया और एक कृष्णा कराड़ हो गया, सिम्बोसिस पुणे हो गया, ये सब होते हैं जिसमें बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो कॉलेज हैं महाराष्ट्र में वो क्लोज स्टेट है, महाराष्ट्र में भी हाईली सब्सिडाइज फीस होती है, लेकिन महाराष्ट्र के हर कॉलेज में, जो महाराष्ट्र स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, एक IQ कोटा होता है जिसमें महंगी फीस होती है, तो बाहर के बच्चों को भी एडमिशन मिल सकता है।
मध्य प्रदेश 12 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कोई डीम यूनिवर्सिटी, कोई एमसीसी वाली डिग्री वाला एमसीसी काउंसलिंग का कॉलेज नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मोस्टली एमसीसी वाले कॉलेज अब दो हरियाणा में हैं, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, एक भी नहीं है, बंगाल में भी नहीं है, इन सब में स्टेट में, उड़ीसा में दो आती हैं, कलिंगा और आईएमएस, और बाकी तीन वहाँ के स्टेट प्राइवेट कॉलेज होते हैं। मध्य प्रदेश 12 के 12 स्टेट प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसमें कि हम जानते हैं कि एक ही है जो जबलपुर में, अशोक सागर सागर, उसके अलावा 11 कॉलेज ऐसे बटे हुए हैं कि इंदौर बेल्ट में आपको, इंदौर बेल्ट में आपको अरविंदो, इंडेक्स, एल एन सिटी, ये तीन हैं जो इंदौर में हैं, एक है उज्जैन में आल्डी गाल्डी और एक देवास में अमलतास, तो ये पांच है जो कि इंदौर उज्जैन में है, एक जबलपुर में है, और छह कॉलेज हैं जो कि भोपाल में है, जिसमें कि हम जानते हैं भोपाल के हिसाब से चिरायू बेस्ट हो जाता है, फिर पीपल है, एलन का एक कैंपस भोपाल जो पुराना है, तीन, एक महावीर है, चार, एक श्री कृष्णा है और एक आरकेडीएफ है, ये छह कॉलेज भोपाल क्षेत्र में है और सब मेन भोपाल में ही है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आउटस्कर्ट्स में है, जो कि यूपी में कई बार हो जाता है कि एड्रेस मथुरा का होता है और होता बहुत अंदर जाके है। गोवा में एकमात्र सरकारी कॉलेज है। कर्नाटका देखिए 45 प्राइवेट कॉलेजेस, सरकारी से बहुत ज़्यादा सीटें प्राइवेट हैं, और सरकार इसमें भी एमसीसी के बहुत सारे कॉलेजेस हैं फेमस, दोनों कस्तूरबा मणिपाल मैंगलोर, जेएसएस मैसूर, येनापोला मैंगलोर, जेएलएन बेलागावी, राजराजेश्वरी बैंगलोर, एसडीयू कोलार, ये सब आएंगे जहाँ पर हम सब जा सकते हैं। और फिर कर्नाटका स्टेट कॉलेजेस आते हैं जिसमें फेमस सेंट जॉन्स, एमएस रामया, कैंपे गौड़ा, बीजीएस, बीआर अंबेडकर, आकाश, ईस्ट वेस्ट पॉइंट, डॉक्टर चंद्रम्मा दयानंद सागर, इस तरह के कॉलेजेस हैं जहाँ पर मेजोरिटी सीटें कर्नाटका स्टेट के लिए होती हैं, पर एनआरआई एज वेल एज अदर सीटें होती हैं काफ़ी महंगी जो आपको पैकेज से मिलती हैं। सेम मध्य प्रदेश के भी 12 के 12 कॉलेजों में एनआरआई स्पॉन्सर्ड 15% सीटें होती हैं जो कि आपको पैकेज के थ्रू मिलती है, अदरवाइज उनका एमआरपी बहुत ज़्यादा है। केरल में भी 21 कॉलेज है, एक अमृता कोची हो गया, बाकी 20 स्टेट कॉलेज। तेलंगाना में कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो एमसीसी कॉलेज नहीं है, 28 या 28 आपको स्टेट काउंसलिंग से मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में 19 है जिसमें गीतम विशाखापट्टनम है, बाकी स्टेट छत्तीसगढ़ के तीनों आपको 36 काउंसलिंग से मिलेंगे, बंगाल के 9 के 9 आपको बंगाल काउंसलिंग से मिलेंगे, त्रिपुरा में एक आ गया त्रिपुरा काउंसलिंग से मिलेगा, झारखंड में दो हैं जिसमें एक टाटा मणिपाल है जो कि एमसीसी काउंसलिंग से मिलता है, और एक पलामू में है जो झारखंड काउंसलिंग से मिलता है। पुदुचेरी में सात हैं जिसमें कुछ पुदुचेरी स्टेट कॉलेजेस हैं और कुछ एमसीसी के थ्रू मिलते हैं, एमसीसी के थ्रू मिलते हैं इंदिरा गांधी मेडिकल पौंडीचेरी, मैं नाम अचानक दिमाग से स्किप कर रहा है, तो पुदुचेरी में भी तीन चार हैं जो आपको एमसीसी मिलते हैं। तमिलनाडु में भी 36 हैं जिसमें मेजोरिटी स्टेट प्राइवेट हैं, सात आठ हैं जो कि एमसीसी के थ्रू मिलती हैं, भारत, सत्य साई, एसआरएम, श्री रामचंद्रा, मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज, ये सब हैं जो कि आपको एमसीसी के थ्रू मिलते हैं, बाकी आपको तमिलनाडु स्टेट से मिलते हैं, सीएमसी वेल्लूर भी आपको तमिलनाडु स्टेट से मिलते हैं। ये देखिए पूरा जंजाल है, तो जितने आपको बटन नज़र आ रहे हैं ना, ये स्टेट्स नज़र आ रहे हैं, सोचिए उतनी डिफरेंट काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है। तो लेट्स से इमेजिन करते हैं, मैं पंजाब का बच्चा हूँ, जहाँ मुझे, मैंने क्लोज स्टेट का एग्जाम्पल लिया, सरकारी नहीं मिलने वाला और मैं चाहता हूँ मुझे अच्छे से अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिले और मैं ओपन हूँ कहीं भी जाने के लिए, तो आप हरियाणा का काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे इन कॉलेज से अलग से, इसका अलग फॉर्म होगा, अलग प्रोसेस होगा, अलग काउंसलिंग होगी, आप हिमाचल में करेंगे, आप जम्मू कश्मीर में करेंगे, आप उत्तराखंड में करेंगे, आप उत्तर प्रदेश में करेंगे, चलो अरुणाचल में तो एक मात्र सरकारी आप जाएंगे ही नहीं, आसाम में जाएंगे, आप सिक्किम में भी जा सकते हैं, आप बिहार में सोच सकते हैं, आप दिल्ली में हमदर्दी एमसीसी के थ्रू चलो मिलेगा, आप राजस्थान का सोच सकते हैं, आप मध्य प्रदेश का सोच सकते हैं, आप राजस्थान राउंड तीन में सोच सकते हैं, आप तेलंगाना सोच सकते हैं, आप आंध्रा सोच सकते हैं, आप कर्नाटका सोच सकते हैं आईक्यू सीट के लिए, या मैनेजमेंट जो प्राइवेट सीट होती है 12 लाख फीस वाली। तो मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि क्यों एमबीबीएस एडमिशन इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस विज अ विज बीटेक या बीबीए, कि जितने आपको स्टेट नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पर, उतनी आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है सरकारी छोड़ के। आप सरकारी की सोच रहे हैं तो एक आप अपने स्टेट में जाएंगे और एक आप एमसीसी, क्योंकि एमसीसी जो काउंसलिंग करेगा वो किसकी करेगा, इन सारी सीटों की, सारी एम्स की, सारी जिपमर की, और
सारे गवर्नमेंट कॉलेज के 15% ऑल इंडिया कोटा की। तो एक फॉर्म से आपकी ये सीआरई सीटें, ये सारी सीटें 15% ऑफ सरकारी सीट आपको मिल जाएंगी। आप अपने होम स्टेट का फॉर्म भरेंगे तो 85% आप सरकारी स्टेट कोटा में चले जाएंगे, लेकिन बाकी आपको जहाँ का प्राइवेट लेना है। अब जनरली हम क्वालिटी लेना चाहते हैं तो उत्तराखंड के तीन कॉलेज हैं, एक सुपर शानदार है, एक बहुत अच्छा है और एक एवरेज है। हरियाणा में 8 हैं, चलो 2 तो एमसीजी काउंसलिंग से मिलेंगे, 6 में हरियाणा में कोई सुपर अच्छा तो है ही नहीं, मैं कहूँगा 2 अच्छे हैं, 2 एवरेज हैं और 2 खराब हैं। सिमिलरली राजस्थान में 9 हैं, एक सुपर शानदार है, 3 अच्छे हैं, 3 ठीक ठाक हैं, 2 खराब हैं। तो जब आप ये लंबी लिस्ट बनाएंगे अपनी, तो मैं हमेशा समझाता हूँ कि आपको ये नहीं कहना है कि सर मैं हिमाचल जाऊँगा या हरियाणा जाऊँगा, हम तो कॉलेज का नाम लिखते हैं ना 1 से लेकर 25 तक। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो रैंक बनती है, लिस्ट बनती है कॉलेजेस की, जो हमें मिलने की जरा से भी उम्मीद है, अब 400 नंबर आए हैं तो कस्तूरबा मणिपाल को तो हम बाहर ही कर देंगे ना, पर जो हमें जरा से मिलने की उम्मीद है, अगर वो 25 कॉलेज या 20 कॉलेज 6 स्टेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमें 6 काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसीलिए हमारा पैकेज फिर 75,000 का हो जाता है। तो मैं अपने आपको पैकेज में समझाता हूँ इसी बहाने। कोई कहता है कि मुझे खाली सरकारी में कोशिश करनी है, जी मेरे 625 नंबर हैं तो हम 30,000 रुपये लेते हैं कि तुम्हारे लिए हम इसकी ट्राई करेंगे और आपके होम स्टेट की ट्राई करेंगे। कोई कहता है सर आपकी सारी बातें ठीक है पर मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और मुझे हरियाणा के इन 8 कॉलेज में से कोई कॉलेज दिला दो, चाहे मैं वो सबसे हल्के कॉलेज में चला जाऊँगा जो नंबर 8 पे है, तो भी तेरा काम 30,000 में कर देंगे। कोई कहता है सर मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मेरे को ना दूर ले जाना, तो पंजाब हरियाणा हिमाचल बस जा सारा दिल्ली और जा सारा उत्तराखंड, यहाँ पार्टिसिपेट करा दो, ठीक है भाई 50,000 का पैकेज। कोई कहता है सर मेरे को कोई भी अच्छा कॉलेज चलेगा इन पूरे स्टेट्स में, तो हमारा पैकेज हो जाता है 75,000 का। और 1,50,000 रुपये अगर आपको मध्य प्रदेश की चाहिए एनआरआई सीट, महाराष्ट्र की आपको चाहिए आईक्यू कोटा सीट, कर्नाटक की आपको चाहिए एनआरआई या ओ सीट, समझे बात को, या आपको चाहिए राजस्थान की मैनेजमेंट कोटा सीट, उसके लिए हमारी मेहनत बढ़ जाती है। इसी में ये बड़ा अच्छा था और आपको आइडिया मिलेगा, देखिए हर साल ना सीटें बढ़ रही हैं, तो 2021 में जनरल कैटेगरी कट ऑफ थी ऑल इंडिया रैंक 11,261, 2022 में 11,200 के बदले 11,700 रैंक तक में भी सीट मिल गई। अभी बात सिर्फ एम्स की हो रही है, उससे आपको आइडिया लग जाता है। और 2023 में 16,000 रैंक तक वाले को मिल गई, तो 2021 में मिली थी 11,000, इसमें मिली 16,000। क्यों? सिर्फ एम्स नहीं, देखिए क्योंकि ये बिजली सरकारी सीट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो जब किसी भी स्टेट में एक सरकारी कॉलेज खुलता है तो उसकी 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में भी तो आ जाती है ना, तो कॉलेज खुला तेलंगाना में, लेकिन हरियाणा के बच्चों को तो फायदा हो गया ना कि वो भी उन सीटों के लिए एलिजिबल हो गया, राइट, क्योंकि वो तो ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं। इसलिए आप देखोगे हर साल जैसे जैसे कॉलेज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कम रैंक पर हमें सीट मिल गई, लेकिन नंबर बढ़ते जा रहे हैं 620 623 625। अब ये कैसे हो रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो 2021 में आप 620 नंबर लाकर भी 11,261 रैंक ले आए थे, और 2023 में भाई 625 नंबर ला के भी आपकी रैंक गिर गई। देखिए 16,000 रैंक कम है ना, आप 11,200 रैंक से आप 16,000 रैंक पे गिर गए, 5,000 रैंक नीचे, बट 5,000 से बड़ी बात है 33% गिर गए। अगर साथ में जिपमर को जोड़ लें तो सेम आपको लॉजिक लग जाएगा कि 2 साल का अगर देखोगे कि 11,627 रैंक पे मिल गया था, लास्ट ईयर 17,000 रैंक पे मिला है जिपमर की आखिरी सीट। तो सिमिलरली हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, मतलब सेम नंबरों पे आपकी कम रैंक आ रही है क्योंकि तो बच्चे और मेहनत कर रहे हैं। यही आपको मिला ये बीडीएस का स्टेट मैट्रिक्स है जिसमें सेम होता है सरकारी और प्राइवेट सीटें, इसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन सिमिलर जो ऑल इंडिया कोटा लास्ट ईयर खत्म हुआ था कि जो से हम बोलते हैं कि पहले बात थी एम्स की, अब आ गई सरकारी की, तो 610 नंबर 2023 में, लेकिन जनरल कैटेगरी क्या थी 23,000 रैंक, 22 में नंबर थे 596 रैंक थी 22,000, मतलब रैंक तो गिर गई 22,000 से 23,500, लेकिन नंबर बढ़ गए 596 से 610, उससे पिछले साल तो 595 नंबर थे, रैंक थी 21,000। तो सेम जो एम्स का लॉजिक देखा था ना हमने, और यहाँ पर तो 5 साल का लिखा है आपके लिए, तो देखिए कैसे हर साल
बीच में एबरेशन था कि रैंक 12,000, 15,000, 21,000, 22,000, 23,000, क्योंकि सीटें बढ़ती जा रही हैं। सो 23,000 ऑल इंडिया रैंक पे भी लास्ट ईयर सरकारी सीट मिल गई थी, इस साल शायद ये 25,000 हो जाएगा, लेकिन नंबर जो है वो पता चले 610 से भी बढ़ के 615 हो गए। अब ये है ऑल इंडिया कोटा। अब इंडिया में तीन अभागे स्टेट के बच्चे हैं, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, चार, जिनमें जो अपना स्टेट है ना 85% सीटें, उनकी कट ऑफ इसके ऊपर जाती है। सो दिल्ली का बच्चे के साथ ये होता है कि दिल्ली की सीट खत्म हो जाएगी 620 नंबर पे और दिल्ली के बाहर उसको मिल जाएगी 610 नंबर पे। यही होगा हरियाणा वाले के साथ, यही बिहार, यही राजस्थान। आप राजस्थान की वो 9 लाख वाली सेमी गवर्नमेंट सीट हटा दो तो बाकी हर स्टेट में क्या होता है, चार स्टेट के अलावा आपके स्टेट की कट ऑफ ऑल इंडिया कट ऑफ से नीचे होती है। तो ऑल इंडिया पिछले साल 610 नंबर पे बंद हुआ था, तो जैसे मैंने बोला हिमाचल के बच्चे को तो 520 नंबर पे मिल गई थी, पंजाब के बच्चे को या यूपी के बच्चे को 590, 595 में सीट मिल गई थी अपने स्टेट में। तो उसके लिए ऑल इंडिया कोटा की सीट टफ थी लेनी, और जैसा मैंने कहा कि इसके मुकाबले जो चार स्टेट हैं इसमें ये उल्टा होता है, समझे बात को। तो ये है देखिए एक मोटा मोटी चार्ट आपके लिए, सीट कहते हैं, काउंसलिंग कैसे है, और एज ए काउंसलर जो हमारा काम होता है, जैसा कि मैंने कहा, जैसा आप डिमांड करते हैं हम इन सब के थ्रू चलते हैं। किसी बच्चे की हम 8-8, 9-9 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वही जो अक्सर 380, 360 नंबर वाला बच्चा होता है, और उम्मीद करते हैं हम कि शायद हमें राउंड 3 में 44 रन निकल जाए उत्तराखंड का, या हमें हरियाणा में चलो फीस बचे तो आदेश निकल जाए, या यूपी में कम से कम मुजफ्फरनगर या रोहिलाखंड निकल जाए, या राउंड 3 में राजस्थान देख लेंगे, उदयपुर का गीतांजलि, अमेरिका अनंता निकल जाए। तो इतनी मेहनत जिनके लिए करते हैं उनके लिए 75,000 फीस लेते हैं, दो या तीन स्टेट सिर्फ अपने घर के आसपास जाना है जी 50,000 लेते हैं, 30,000 रुपये सिर्फ होम स्टेट या गवर्नमेंट, और 1.5 लाख भी मैंने आपको समझाया। एज पर लास्ट ईयर महाराष्ट्र IQ कोटा, मध्य प्रदेश NRI कोटा, कर्नाटका NRI एंड ओ सीट्स, यही तीन थी जो कि, और राजस्थान की मैनेजमेंट सीट जो आपको हम अलग से दिलवा सकते थे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया, और इसी तरह से शानदार काउंसलिंग अगर आपको चाहिए, बेस्ट ऑप्टिमल सीट चाहिए अपने बच्चे के लिए कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का कॉलेज मिले, और मैंने आपको कई बार समझाया कि सब कॉलेजेस में जो 314 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इसमें मान के चलिए कम से कम 50 कॉलेज तो ऐसे हैं जो कि कॉलेज कहलाने के लायक ही नहीं है। और आपने सुना ही होगा ना कि लास्ट ईयर चिंतपूर्णी जो खुला था पठानकोट पंजाब में, वो बंद हो गया। सिमिलरली यूपी का सरस्वती उन्नाव एक बार तो रुक गया था, वो दोबारा आ गया, और आप देख कर आओगे तो आप कहोगे कि कॉलेज तो जाने लायक है ही नहीं। 50 तो ऐसे कॉलेज हैं 314 में से, सिमिलरली 50 बहुत शानदार कॉलेज भी हैं। कुछ कॉलेज तो प्राइवेट में ऐसे हैं जो कि सरकारी कॉलेज से बहुत अच्छे हैं। मैं आपको और चीज़ और ये भी समझा दूँ दोबारा इस वीडियो में, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ MBBS एक कोर्स ऐसा है जहाँ फीस में बहुत ज़्यादा फर्क है। बीटेक में ऐसा नहीं होता, बीटेक में आप IIT जाना चाहते हैं, आप NIT जाना चाहते हैं, पर आप बिरला जो कि प्राइवेट कॉलेज है, जैसे बिरला पिलानी वाला, बिट्स पिलानी इसको बोलते हैं, नाउ इट इज ऑफिशियली अ प्राइवेट कॉलेज। VIT वेलोर इज अ प्राइवेट कॉलेज, थापर इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट बियॉन्ड टॉप 10 IIT इसमें भी, बियॉन्ड DTU, NSUT, यू विल लाइक टू गो टू VIT, यू विल लाइक टू गो टू थापर, यू विल लाइक टू गो टू मणिपाल इंजीनियरिंग कॉलेज, यू विल लाइक टू गो टू बिट्स पिलानी, राइट। फीस भी 1.5 से लेके 4 लाख पर ईयर, बट MBBS में ऐसा नहीं है। सरकारी मतलब लाख से नीचे, प्राइवेट मतलब कम से कम 10 लाख, 12 लाख से ऊपर। तो कभी कभार आप घटिया प्राइवेट MBBS कॉलेज में भी जाते हो जानते हुए, क्योंकि वो बहुत सस्ता है। तो इस वीडियो में फिर अपील करूंगा, अगर आप में से कोई सामर्थ है, प्रॉस्पेरस है, जिसके लिए 90-80 लाख का पैकेज मायने नहीं रखता, तो फिर आप गुड प्राइवेट कॉलेज में जाइएगा। सरकारी कॉलेज सारे 369 छोड़िए, एम्स भी, BC भी अच्छे नहीं है, कई एम्स भी ऐसे हैं जहाँ पर भी दीवारें भी ढंग से खड़ी नहीं की गई हैं, और कहने को वो एम्स चला रहे हैं। इसी तरह की सटीक जानकारी ये 705, ऑफकोर्स मैं भी क्लेम नहीं करता कि मैं 705 के 705 कॉलेज गया हूँ, शायद मैं 250 कॉलेज में खुद गया हूँ अगर मैं पर्सनली बताऊँ, लेकिन चूंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरा जो नेटवर्क है, हर स्टेट में, हर बड़े शहर में मेरा कोई जानकार है, तो कर्नाटका के शायद हर कॉलेज को मैंने खुद नहीं देखा। आई विल नॉट क्लेम कि मैंने ये 70-70 कॉलेज को खुद देखा है, लेकिन हमारे पार्टनर्स हैं जो बेंगलोर में बैठे हैं, जो मैंगलोर में बैठे हैं, जो हमें एक एक कॉलेज का डायरेक्ट पर्सनल फीडबैक देते हैं, सेम इज महाराष्ट्र। मैं नहीं कहूँगा कि मैं सारे 67 कॉलेज में गया हूँ,
हाँ लेकिन नॉर्थ में तो हम हरियाणा के बहुत सरकारी प्राइवेट, हिमाचल के सरकारी प्राइवेट, पंजाब के, दिल्ली के, उत्तराखंड के, यूपी के, राजस्थान के, तो मैंने दोनों ही देख रखे हैं। चलिए हम आपकी हेल्प करते हैं, और इसलिए हमारा नंबर है 9643362320। और मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि चूंकि हम अच्छा काम करते हैं, जेनुअन काम करते हैं, हमारे पास समय नहीं होता फ्री ऑफ चार्ज बात करने के लिए, तो हम बात करने पहली काउंसलिंग के भी चार्जेस लेते हैं। 2,500 रुपये अगर आप फ़ोन पे बात करना चाहें, 5,000 रुपये अगर आप वीडियो कॉल या आके मिलना चाहें, और फिर जो भी हमारा पैकेज आप लेते हैं उसमें वो फीस एडजस्ट होती है। नहीं लेते पैकेज कोई बात नहीं, फिर वो फीस आपकी जो भी आपने बात की उसमें चार्जेबल हो जाती है। ओके, हैव अ नाइस डे। पेपर तो हो गया है, अब रिजल्ट भी आपको पता चली गया है। आप सब लोग अपने क्वेश्चन पेपर पे मार्क करके लाए थे, और एलन और आकाश की आंसर की और ऑफिशियल आंसर की में बहुत ज़्यादा फर्क होता नहीं है, तो आपके आपको अपने मार्क्स का आइडिया लगी गया है। आपको पता है कि आप कहाँ फॉल कर रही हो, उसके हिसाब से आपको कौन सीटें मिल सकती हैं, कैसे आपको सीट मिले, क्या ज़रूरत है आपको IQ कोटा, NRI कोटा में सीट बुकिंग अभी से कराने की, क्या आपको ज़रूरत है नेपाल में अपने सीट बुक्स कराने की, क्या आप ज़रूरत है कि सब छोड़ के अपना उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया की तरफ सोचने की। हर चीज़ के लिए हम आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन चार्जेबल। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।